फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंटर बिल्डर के अबाउट, जानना किस तरह से एलिमेंटर जो है वर्क करता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंटर बिल्डर के अबाउट, जानना किस तरह से एलिमेंटर जो है वर्क करता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एलिमेंटर बेसिकली क्या है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और एलिमेंटर को किस तरह से इंस्टॉल करना है, और एलिमेंटर के फ्री और पेड वर्जन के अबाउट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एलिमेंटर के दो वर्जन्स अवेलेबल हैं, एक फ्री है कम्प्लीटली और एक पेड है। ऑलमोस्ट 95% आपका काम फ्री से हो जाता है, और बाकी एड ऑन्स अगर उसके साथ आप करें। इसके अलावा पेड वर्जन भी एलिमेंटर का अवेलेबल है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आपको एक बिल्कुल स्टनिंग वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए मददगार साबित होंगे। तो चलें चल के लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते हैं एलिमेंटर प्रो की प्राइसेस, और उसके अलावा उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो, और हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं आ जाऊँ एलिमेंटर प्रो के ऊपर, तो यहाँ पे देखें, जस्ट एक वेबसाइट के लिए आपको $49 पर ईयर देना पड़ेगा अगर आप इसके प्रो फीचर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं। प्रो फीचर्स में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी क्या, और फ्री वर्जन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, जब हम एलिमेंटर अभी थोड़ी देर के बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें एलिमेंटर प्रो के वजह से आएंगी। ओके, यहाँ पे देखें, हमारे पास 25 वेबसाइट्स हैं $199 पर ईयर के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है 100 प्रो और 1000 प्रो, राइट। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको देख लें, यहाँ पे एलिमेंटर प्रो फ्री है और एलिमेंटर प्रो है, राइट। अगर हम एलिमेंटर प्रो के अंदर जाएं तो हमें देखें ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर मिलता है, रिस्पॉन्सिव एडिटिंग मिलती है, लाइव एडिटिंग मिलती है, ग्लोबल एडिटिंग, थीम बिल्डर। ये एक डिफरेंस है एलिमेंटर फ्री के अंदर और एलिमेंटर प्रो के अंदर, और ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें एलिमेंटर फ्री के अंदर मिल जाती हैं इंस्टेड ऑफ थीम बिल्डर। थीम बिल्डर का क्या काम होगा आगे चल के देखेंगे। और इसके अंदर कुछ विजिट्स भी शामिल नहीं होते फ्री वर्जन के अंदर, प्रो वर्जन के अंदर जो है वो बहुत सारे विजिट शामिल होते हैं। अगर मैं इसको एलिमेंटर फ्री पे स्विच करूं तो यहाँ पे देखें ओनली 50 विजिट्स आपको मिल जाएंगे, 50 विजिट आपको नहीं मिलेंगे, और ये वाला जो थीम बिल्डर है वो ओनली प्रो फीचर में आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी हम देखेंगे कि अगर हमें प्रो बाय नहीं करना तो फ्री के ज़रिए हम किस तरह से ये सारे फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे। तो आई होप आपको बेसिक्स आइडिया हो गया होगा कि एलिमेंटर प्रो और एलिमेंटर जो फ्री वाला है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो चलें चलते हैं और एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको वेबसाइट, तो आपका वेबसाइट बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पे होगा। अच्छा, बिफोर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो पेज बिल्डर्स होते हैं वो थीम के ऊपर काम करते हैं, राइट। आपको एक थीम इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसके बाद पेज बिल्डर एज अ प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। वो पेज बिल्डर प्लगइन कोई भी हो सकता है, चाहे वो एलिमेंटर हो सकता है, विजुअल बिल्डर हो सकता है, डीवी बिल्डर हो सकता है, जिसको यूज़ करते हुए आप उस थीम के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे या उस थीम के पेजेस के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये वाला थीम है, इसके ऊपर एलिमेंटर कोई खासा काम करता नहीं है। कुछ वेबसाइट पे, कुछ थीम्स के ऊपर बड़ा अच्छा काम करता है, कुछ थीम्स के ऊपर नहीं काम करता। तो इसके लिए जो डेडिकेटेड है हमारे पास थीम, वो है एलिमेंटर। आप किसी भी थीम के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं ऑलमोस्ट, जो कि कंपेटेबल हो एलिमेंटर के साथ। तो हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका नाम है हेलो एलिमेंटर। ओके, यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया, तो ये अभी हमने थीम इंस्टॉल किया। आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि कंपेटिबल हो एलिमेंटर के साथ। और उसके बाद हम आ जाएंगे प्लगइन्स के अंदर और एड न्यू पे आएंगे, और सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंटर सर्च करेंगे, और हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट एलिमेंटर यहाँ पे नजर आ जाएगा। सिंपल हमने इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। अब जैसे ही हमने एलिमेंटर इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ अकाउंट क्रिएशंस की
वो मांगेगा हमसे, लेकिन हम चाहें तो नहीं भी कर सकते इसको। हम इसको वापस डैशबोर्ड की तरफ ले जाते हैं और हम अकाउंट नहीं क्रिएट करते। आप बिना अकाउंट क्रिएट करें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें, अगर मैं एक पेज पे जाऊँ, लेट्स से मैं इसको एडिट करता हूँ अबाउट अस को, तो यहाँ पे देखें अब हमें इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास आ चुका होगा, एडिट विद एलिमेंटर। तो इसको हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इस तरह से इसको एडिट करेंगे। तो दूसरी बात आ जाती है एलिमेंटर प्रो की। तो एलिमेंटर प्रो आप किस तरह से इंस्टॉल करोगे, सिंपल आप यहाँ पे आओगे, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल अपलोड, और जो एलिमेंटर प्रो आपको अलहदा से बाय करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट से, वो सिंपल आप यहाँ से अपने लैपटॉप से अपलोड कर दोगे, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दोगे। आपको एलिमेंटर फ्री भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही एलिमेंटर प्रो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर लो और वो वर्क करेगा, आपको पहले फ्री वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए उसके बाकी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए एलिमेंटर प्रो अलहदा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी एलिमेंटर प्रो की, तो मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। कल से हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे एलिमेंटर प्रो को यूज़ करते हुए एंड एलिमेंटर फ्री को यूज़ करते हुए। सॉरी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।